विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राजधानी रांची में जहां एक ओर तैयारियां पूरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक बंधु तिर्की और मांडर नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की आज आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंची हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने। देखिए, वर्तमान समय कंपटीशन का जमाना है, काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट किया जाना बहुत अति आवश्यक है, और आदिवासी छात्रावास में, चाहे वो बालक वर्ग हो बालिका वर्ग, यहाँ कई एक विंग है छात्रावास, वीर बुधु भगत है यहाँ, ये छात्रावास है, बालिका भी है, चाहे एसी का छात्रावास भी क्यों ना हो, लेकिन जो इनके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है, और अपने बल से अपने मेहनत से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इनके लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। रियल में आज कल आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त है, सचमुच में आदिवासियों के लिए कुछ करना है तो हर लोगों को इनके बारे सोचना होगा। हम जब इनके लिए, चूँकि ये एक हमारे पौधा की तरह है, एक ये पौधा है, तो अभी पौधा को अगर हम इसको ठीक से रख रखवाली अगर नहीं करेंगे, हमको माली की भूमिका इसमें निभाने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई भी आदिवासी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी पद में क्यों ना, हर लोग अगर सोचेंगे तभी हमारा समाज का हम बेहतरीन तरीके से हम उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये कल के भविष्य हैं। हम हमारे समाज के लिए हमको सही मालिक का भूमिका में काम करने की आवश्यकता है। हर एक लोगों की जिम्मेवारी है, और अपने अपने स्तर से हम अपने परिवार से हट करके भी, परिवार के लिए भी जो लोग हम सक्षम लोग हैं, वैसे लोगों को अगर इन बच्चों के प्रति, ये हमारे जो भविष्य हैं उनके बारे हम सोचेंगे, तभी हमारा आदिवासी समाज का हर चीज़ का, उनकी जो संवैधानिक अधिकार है, उनकी धार्मिकता का मामला है, चाहे उनकी संस्कृति परंपरा है, जल जंगल जमीन है, ये सभी चीज़ों को हम उसको हम रक्षा कर सकते हैं। केवल नारा लगा के नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है, और इसलिए एक एक लोगों को, और भी हमारे कई एक लोग साथी लोग हैं, उन तमाम लोगों को मिल करके करने की जरूरत, ताकि इन बच्चों को सही तरीके से मोटिवेशन मिल सके, इनको प्रोत्साहित करके, और ये लोग अच्छे रास्ते में जाएंगे, और हमको विश्वास है कि यहाँ के बच्चे आने वाले दिन में बेहतर करेंगे, और हम मिलजुल करके अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।